नमस्कार, मैं दिशा बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात स्पेशल शो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें समाज के लिए कुछ करना है, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में समाज के प्रति कुछ करते हैं। उन्हीं में से एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मेरे आज हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। सर, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक आपके बारे में जाने कि आपकी जीवनी कैसे रही, आपने क्या क्या चीज़ें की है अब तक। जी जी, मेरा नाम राजेंद्र देवेंद्र मिरे है और मैं जूनी शुक्रवारी गांधी पुतला यहाँ निवासित हूँ। वैसे ही मैं देवेंद्र लॉन, यह मानेमाड़ा रिंग रोड चौक पर मेरा व्यवसाय है। साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी नागपुर महानगर का महामंत्री करके अभी अभी मेरी नियुक्ति हुई है। मैं पिछले 25 वर्षों से राजनीतिक लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जीवन भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेवक के रूप में मैं जब शुरुआत हुई तो मेरा जीवन बालपन से, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था। लेकिन मेरे घर के परिवार के लोगों ने कभी मुझे विकलांगों के साथ स्कूलों में पढ़ने नहीं भेजा, मुझे आम आदमी जैसे ही स्कूल में बच्चों के साथ में भेजा। मेरे पिताजी और मेरे सभी घर के परिवार लोगों का यह कहना था कि इसको विकलांगों के साथ अगर भेजे तो ये ज़्यादा विकलांग हो सकता है, ऐसी मानसिकता उनकी थी। इसलिए मुझे सामान्य बच्चों के साथ में मेरा बालपन जीवन जो है कि मुझे घर के नज़दीक ही स्मृति भवन है रेशिमबाग का, वहाँ पर 4वीं तक मेरी पढ़ाई हुई और मुझे एक स्वाभिमान सामर्थ्य से जीने की, जो बाढ़ कड़ू बोलते हैं बचपन में जो बच्चों को पिलाई जाती है ना कि आने वाले समय में वो निरोगी रहे, तो उस दृष्टि से जीवन को उजागर करने के हेतु, भले ही मैं विकलांग 3 वर्षों के बाद में मुझे पोलियो हुआ, लेकिन परिवार के अच्छे सहयोग से और उन्होंने मुझे मेरे प्रति जो विचार किया उसके कारण मैं आज सक्षमता से खड़ा हूँ। सर, आपको पोलियो हुआ उसके बाद बहुत सारी सोसाइटी का नज़रिया देखना का चेंज हो गया होगा, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, तो मैं उन चेंजेस के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, विकलांगता यह किसी और को भी ना आए, क्योंकि यह विकलांगता ऐसी विषय है कि यह अभिशाप के रूप में देखा जाता है। लेकिन शरीर का कोई हिस्सा अगर आदमी का कमज़ोर हो जाए या विकलांग हो जाए तो उसके कारण उसके मन की बुद्धि और उसका आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे विकलांग भाई भी बंधु जो है कई ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज सामान्य व्यक्ति भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो जयसिंह चौहान जी हैं, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, 0 से हीरो बने हैं। वैसे ही मेरा भी जो है, मैं व्यवसाय करता हूँ तो मेरा कोई पहले से पिताजी का व्यवसाय नहीं था, मेरी शुरुआत मैंने खुद की, क्योंकि मेरे को घर से दादा मेरे नाम दिया था, दादा करके बोलते थे। और मेरा जीवन जब संघ के साथ जुड़ा हुआ था तो मुझे नौकरी के कई ऐसे अनुभव भी आए, शिक्षक सरकारी नागपुर नागरिक में, उन मेरे नेताओं ने भी बोला कि आप अपना बायोडाटा दे दो, लेकिन मैंने चाहा कि नौकर आखिर नौकर ही रहेगा, नौकरी करना यानी नौकर बनना। लेकिन मुझे, और जब घर के परिवार से और सामान्य लोगों से जो आत्मीयता के भाव से मुझे दादा नाम दिया गया, तो मैं बोला दादा किसी के सामने हाथ झुके नहीं, तो ऐसा कुछ निर्माण करो, अपना कुछ व्यवसाय निर्माण करो जिससे कि अपन भी समाज का कुछ हित साध्य कर सके। तो उस दृष्टिकोण से मैंने किया। लोगों का नज़रिया ऐसा है कि हमारे स्वयं के ऊपर किसी प्रकार की कोई बीमारी आए तो हम उसको क्रिएटिवली अच्छे से देखते हैं कि भाई नहीं, ये तो आ गई होगी, देख लेंगे, इससे बरी भी हो जाए। लेकिन किसी दूसरे के प्रति अगर सोचने की भावना है तो वो तो सोचता है कि ये पूरा हो गया, काम से गया, अब तो इसका जीवन कोई सार्थक नहीं है। और उनके परिवार को भी ऐसी संवेदना से देखा जाता है। तो मेरा समाज से ये धारणा है कि समाज हमारे तरफ दया भावना देखते हुए हम भी कुछ है, क्योंकि आज इस सृष्टि पर जिसका भी जन्म हुआ है, प्राणी पशु जो भी जन्म हुआ है, उसका उदर निर्वाह ईश्वर ने कर दिया है। हम क्यों सोचे कि ये हमारे किसी काम का नहीं। आज मैं जब व्यवसाय करता हूँ, मेरे व्यवसाय से में हजारों लोगों की शादियाँ हुई है आज तक, 14 साल हो गए मैं व्यवसाय करता हूँ। मुझे उनकी तरफ से जो, क्योंकि मैं जो व्यवसाय किया, मैं लोगों का मांगलिक कर रहा हूँ, तो मेरा भी निश्चित रूप से मांगलिक हो रहा है। मेरी जीवन एक अच्छे तरीके से जीने का, खुद का एक आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हुई सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में ने भी आपके साथ बहुत अलग तरीके से बर्ताव किया होगा, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर आता है, मतलब हमें मानसिक तनाव आना शुरू होता है, तो उससे आपने कैसे खुद को उभारा? देखिए, अब मैं स्वयं के जीवन की बात बताता हूँ
क्योंकि कैसा है, जिसका जलता है उसी को उसका पता चलता है। मेरे साथ भी यही वाकया हुआ। हम दो भाई है, जुड़वा भाई है, वैसे तीन भाई है, लेकिन हम हमारा जन्म हुआ है तो हम जुड़वा भाई जन्मे। शादी ब्याह की बात आई तो मेरे भाई की शादी हो गई। मेरी शादी उसके 8 साल बाद परिवार ने की। वो एक मैंने बताता हूँ कि आदमी के दिल में कहाँ कि भाई चलो यार, अपन अगर अच्छे होते तो अपना भी कुछ संसार बढ़ जाता था, अपने तरफ भी देखने का परिवार का कुछ और नजरिया होता था। हालांकि मेरा भाई उस मेरे से 10 मिनट छोटा है एक देखा जाए तो, लेकिन जीवन में एक हंसी खुशी से बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब परिवार के लोग भी अगर ये तरीके से सोचते तो समाज का सोचने का ढंग तो और ही है। आज हमारे विकलांगों के प्रति भी वही है कि जो सोचते हैं कि घर के परिवार के लोगों का सही मायने में उनको ज़्यादा आधार होना चाहिए, उनके देखने का नज़रिया उनकी तरफ जो होना चाहिए कि नहीं, ये हमारा बेटा सबसे अच्छा है, सबसे पावरफुल है, अब ये ही कुछ हमारा नाम उजागर कर सकता है, ऐसा कुछ उनको लगना चाहिए। तो इस भावना की अपेक्षा करते हैं हम विकलांग। अच्छा जी, ये जो हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत अग्रसर है, सामाजिक कार्यों में एक खासा रुचि रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, इस सृष्टि पर हम जन्मे हैं तो समाज से हमने ही हमें ही समाज ने कुछ देना चाहिए, ये भाव सभी के दिल में होते हैं। हम शासन से, प्रशासन से, समाज से क्या हम ही मांगेंगे क्या, हमारा भी कुछ देना लगता है। इस भावना से अगर हम जीते हैं तो हमारा कार्य करने का एक अलग ही अंदाज होता है। हम समाज के प्रति अगर अच्छी भावना से काम करेंगे तो समाज भी हमारी तरफ देखने का नज़रिया कुछ और है। आज मैं मेरे एरिया में जितना भी सामाजिक क्षेत्र से, राजकीय क्षेत्र से जुड़ा हूँ या समाज के हित के लिए जब भी काम करता हूँ तो वो जो मुझे सम्मान मिलता है तो उसके कारण से मुझे प्रेरणा मिलती है, नया कुछ करने का भी एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। कल हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, उसकी पूरी संकल्पना ही मैंने कई सालों पहले वहाँ रखी थी। आज उसका जो भव्य रूप देख रहा हो तो उससे मुझे बहुत ही आनंद होता है कि हमने लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा, जो लोगों ने सोचा था कि ये पौधा कभी फूलेगा नहीं, लेकिन वो पौधा भी आज फूल सकता है, फूल रहा है। तो यही सोच कर मेरी समाज सेवा से चलती है कि मैं जब भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं ये कभी नहीं रखता हूँ कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मेरी तरफ देखने का नज़रिया भी मैं लोगों का यही देखता हूँ कि मेरे लिए, दादा मेरे के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया हो ईश्वर ने किया। हम लोगों से भी यही चाहते हैं कि समाज के साथ जुड़े रहते हुए हम समाज को कुछ भी करते हैं तो समाज को यह लगना नहीं चाहिए, दया भाव के दृष्टिकोण से नहीं, एक आत्मविश्वास से कि किसी को इस हाथ का इस हाथ को भी पता ना चले, ऐसे भाव से मेरा सामाजिक कार्य चलता है। मेरी स्वयं की एक NGO है, श्री कुंजा अपंग कल्याण बहुउद्देशीय संस्था। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मैंने भी सोचा कि नहीं, कुछ अपने विकलांगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से किया। और मैं जो व्यवसाय करता हूँ उस व्यवसाय से एक कुछ निधि, जो मैं स्वयं से नहीं, कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है, तो उसमें से एक कुछ निधि मैं विकलांगों के हित के लिए खर्चा करता हूँ। ना उनको मतलब उसके लिए कोई फोटो बेटर सेशन नहीं होता है, ना कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि आज विकलांगों की 10-5 हज़ार रुपये से आर्थिक मदद भी कर दिए तो वो एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आपने आपकी जो NGO है उसका भी जिक्र किया, तो मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहती हूँ, लाइक अभी कितने लोग हैं वहाँ, कितने लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अभी हमारी NGO में तो वैसे हम 10 लोग हैं। अच्छा। 10 लोगों में से 6 लोग विकलांग हैं। ओके। जो अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे संस्था को जैसे भी किसी को जुड़ना है तो हम 11 किलो वेस्ट पेपर रद्दी उनसे लेते हैं, किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं लेते हैं। वो 11 किलो वेस्ट पेपर रद्दी इसलिए क्योंकि समाज का एक नज़रिया है। आपको लगेगा किसी पत्रकार ने इस विषय को लेकर मैंने WhatsApp पर लिखा था तो उनको बड़ा बुरा लगा था कि कैसा है, रोज़ सुबह होती है तो हमारे सबके घरों में एक आस रहती है कि वर्तमान पे न्यूज़पेपर आया कि नहीं, वो न्यूज़पेपर पे पूरी दुनिया की खबर पढ़ लेते हैं और बाद में वो किस कोने में पड़ा रहता है वो किसी को पता नहीं होता है। वैसे ही विकलांगों की हालत है, जन्म तो हुआ है, वो किस दृष्टिकोण को लेकर चल रहा है, जी रहा है, उसकी तरफ किसी का नज़र, वही वर्तमान पत्र हम मांगते हैं कि उस, और उन वर्तमान पत्रों के माध्यम से हमारे कुछ विकलांग है, और आज तो प्लास्टिक का जो विरोध हो रहा है पोल्यूशन के हिसाब से, तो हमारी कुछ विकलांग साथी जन है, महिलाएं हैं, वो उससे इन्वल्व बनाती हैं, बैग्स बनाती हैं, उनको हम वो देते हैं।
और ये जो लोग देते हैं ये जो वेस्ट पेपर, तो हमको फिर खरीदने की जो आर्थिक पैसे लगते हैं, तो वो खरीदते ना हुए उनको ज़्यादा आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मिल जाए तो, और खरीद के लाने में 20 रुपये 30 रुपये जो लगते हैं तो वो उनके आर्थिक रूप से मदद हो जाती है। तो ये ऐसा हमारा कार्य चल रहा है। आपका एनजीओ है, तो आपके कुछ गोल्स होंगे उससे जुड़े हुए कि आने वाले इतने समय में मुझे इतने लोगों को मदद करनी है या फिर इतने लोगों तक पहुंचना है, तो मैं आपके आने भविष्य में जितने भी आपके गोल्स होंगे उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो पूरे शहर, मेरे तो अभी ऐसा है मैं केवल नागपुर तक ही सीमित रहना चाहता हूँ अभी। नागपुर महानगर में मेरे कुछ ऐसे दिव्यांग बांधव है जो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। आज विकलांग की परिस्थिति ऐसी है कि उसको घर के बाहर निकल, एक सामान्य व्यक्ति तो कैसे भी निकल सकता है, पैदल जा सकता है, कहीं साइकिल से जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है, लेकिन कुछ विकलांग ऐसे जो उनको व्हीकल भी चलाना नहीं आता, साइकिल भी चलाना नहीं आता, तो ऐसे विकलांग जो घर में रहते हुए अपने परिवार को बोझ न लगे, वो खुद को भी अपने आप को कहीं कम न समझते हुए उनके साथ जुड़ना है। आज प्रशासन के पास हमने उसके लिए महानपुर महानगर पालिका में एक निवेदन अभी 3 दिन पहले निपानी जी साहब से चर्चा हुई इस विषय पर, तो उन्होंने कहा कि हम सभी जोन में ऐसे काउंटर लगाएंगे और वहाँ सभी विकलांगों की जानकारी पूरी हासिल होगी, जो सोशल यानी इंटरनेट पे सब डाली जाएगी, जिसके कारण से उसकी आर्थिक परिस्थिति, उसकी शारीरिक परिस्थिति क्या है और उसका रहन सहन किस प्रकार का है, वह हमको जानकारी मिलेगी। क्योंकि प्रशासन ने आज तक विकलांगों की संख्या कितनी है ये दिखाई नहीं है, जानबूझ के नहीं दिखाई है ऐसा हमें लगता है। आज मुझे तो भी ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर पालिका में ना क्षेत्र में कम से कम 4-4.1 लाख दिव्यांग बांधव है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हजारों दिव्यांग हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए पता चल रहा है, लेकिन प्रत्येक एरिया में हर 4 घर के बाद में एक ना एक, क्योंकि 21 प्रकार की विकलांगता आज शासन ने हमको लगाई है, तो 21 प्रकार के विकलांगों में आज संख्या ज़्यादा हुई है। शासन जानबूझ के, प्रशासन इस बात को छुपा रहा है, ऐसा मुझे तो भी लग रहा है। क्या है हमारे आंकड़े ही नहीं है, समाज आप एक जाति वर्ग के आधार पर जनगणना की बात करते हो और जो मूल हिस्सा है समाज का जो दुर्लक्षित है, जिसके तरफ खास करके नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व के विकलांगों की परिस्थिति देखते हैं तो हमारे भारत देश की परिस्थिति देख के हमें थोड़ा शर्म आती है, हमें कहीं तो भी घुटन लगती है, महसूस हो रही है कि हम किस देश में हैं। लेकिन 2014 से एक अच्छे निर्णय होने चाहिए, शुरुआत हुई है 2014 में, सभी दिव्यांगों को एक मेडल मिला, दिव्यांग नाम दिया, लेकिन प्रशासन ने भी परसों के नवभारत पेपर में आपने पढ़ा होगा कि मैं तो समझता हूँ कि ये मानसिकता वाले बड़ी पत्रकार कहते हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है अपने, वो मेरे पास अभी भी है, आपको दिखा सकता हूँ। लंगड़े लूले जैसे शब्दों का, जो जिसके लिए हम एट्रोसिटी की एक्ट की मांग कर रहे थे, ऐसे शब्दों का अगर पत्रकार उच्चारोपण और पत्र में लिखते हैं तो ये भी हमारा अपमान है। ऐसे लोगों पर भी दंडात्मक कार्रवाई शासन ने करनी चाहिए, जिसके लिए हम आने वाले समय में अभी 2-4 दिन में FIR भी दर्ज करने वाले हैं। क्योंकि कैसा है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे अधिकारों से हम समझौता नहीं कर सकते, हमने किसी से कोई अधिकार मांगे नहीं, संविधान ने हमें कोई अधिकार दिए नहीं, लेकिन जब लोकसभा में 2016 में विधेयक पास हुए हैं, महाराष्ट्र शासन ने कुछ विधेयक पास किए हैं, नागपुर महानगर पालिका ने जो विधेयक पे, जो हमने मांगे तो नहीं थे, आपने केवल राजनीतिक भरोसे के लिए नहीं, प्रशासन के लिए नहीं, ये दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास होने की दृष्टि से आपने जो प्रयास किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और वो ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। आज हमारी मांग है कि विकलांगों के प्रतिनिधि स्थानीय स्वराज्य संस्था में होना चाहिए, ये मांग इसीलिए रखी जा रही है क्योंकि हमारे ये जो ध्येय धोरण ठहराए जाते हैं, हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई तो भी ठोस कदम उठाया जाए, उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए हाउस में। हम विकलांग रहेंगे, विकलांगों का प्रतिनिधि रहेगा गया, तो विकलांगों के जब भी विषय आएंगे तो उसके लिए बोलने के लिए ठोस अधिकार चाहिए, ऐसा सब है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इस BCN के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मेरे जैसे दिव्यांग बंधु का बहुत बड़ा सहयोग है कि BCN के माध्यम से विकलांगों को एक मंच यहाँ दिया गया है और विकलांगों की जो समस्याएं हैं उसको किसी दर्शकों के माध्यम से तक दर्शकों के दिलों में पहुँचाने के लिए BCN ने जो ये कदम उठाया है, मैं BCN न्यूज़ चैनल का सर्वस्वी आभारी हूँ, पूरा दिव्यांग समाज BCN न्यूज़ चैनल का
इस कार्य के लिए उनको अभिनंदन करता है और आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार हमें सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हुए BCN चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जरूर हम आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे। आज की हमारी इस खास मुलाकात में बस इतना ही। नमस्कार।